नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी जो अलसी की फसल होती है उसमें हम कीट नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। फूल अवस्था के आने से पहले अलसी में किसी भी प्रकार के कीट का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। यदि कीट भी हो तो कोई आंशिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फसल की डोरी अवस्था आ जाती है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इस पर इल्ली का प्रकोप हो जाता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इल्ली। तो इल्ली से बचाने के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि हमारी फसल को इल्लियाँ बर्बाद ना करें और हमें इसका वांछित लाभ मिले। तो चलिए जान लेते हैं आज इस वीडियो में कि अलसी में कीटों का नियंत्रण कैसे करें। इल्ली नियंत्रण के लिए किसान भाई प्रोपेनोपास 50 सीसी को 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर में यानी 1 लीटर में 2 मिलीलीटर की मात्रा कीटनाशक की मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसका स्प्रे आप हर 15 दिन की अवस्था में डोरी आने के बाद 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। इससे प्रभावी रूप से इल्लियों का नियंत्रण हो जाएगा और जो उनके अंडे हैं वो भी प्रोपेनोफास दवा से समाप्त हो जाएंगे। और यदि इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है तो आप इसमें एसीफेट जो पाउडर आता है कीटनाशक का वो भी मिला सकते हैं और अपने खेतों में कीट नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कार्ड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।